कलकत्ता में एक व्यक्ति किसी कंपनी में फैक्ट्री में नौकरी करता था। अब वहाँ पे लोहे का वर्क होता था, काम होता था, बड़े बड़े जो लोहे के ना सरिये होते हैं वो बनाए जाते हैं। अब वहाँ पे काम चल रहा था, एक मजदूर उड़ीसा का, वह काम करने आया वहाँ पे। अब गरम लोहा था, अचानक से मशीन से उतार रहे थे तो छूट गया। जैसे ही छूटा तो उड़ीसा के कारीगर के पैर पे लगा, जैसे ही लगा तो पैर की हड्डियां क्या हो गई, टूट गई, खरोच आ गई, गरम गरम लोहे का सरिया लगा, फफूले हो गए। तो कंपनी का जो फैक्ट्री का मालिक था ना, बहुत दयालु था, उसे बहुत चिंता हो गई। उसी ने उस समय तुरंत इलाज प्रारंभ करा दिया उस व्यक्ति का, कहा जल्दी से जल्दी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, कहा जितना पैसा खर्चो करने को तैयार हूं, पर यह क्या होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। मालिक होने चाहिए ऐसे, जो अपने नौकर की संभाल कैसे करें, अपना जानकर। अपना जानकर संभाल नहीं करोगे ना तो नौकर क्या करेगा, वो काम भी वैसा ही करेगा। अब उसने इलाज प्रारंभ कराया, इलाज प्रारंभ हो गया, डॉक्टरों ने देखना स्टार्ट किया और कह दिया गया पैसे की चिंता मत करना। इलाज हो गया, एक दिन, दो दिन, सात दिन निकल गए और धीरे धीरे करते जो जख्म हुआ था पैर के घुटने के नीचे की तरफ, वो फैलता फैलता कहाँ आने लगा, ऊपर की तरफ आने लगा। जैसे ही ऊपर की तरफ आने लगा तो डॉक्टर ने कह दिया उस कंपनी के मालिक को बुलाकर, इस मजदूर की यह टांग क्या करी जाएगी, काट दी जाएगी। अब ऐसा जो बोला तो कहा मजदूर को बता तो दें, उसके परिवार वालों को बुला लें, कहा आज का दिन है बुला लो, अगर कल यह रोग आगे फैल गया तो क्या होगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब उस समय इतने साधन नहीं, फिर भी बुला लिया गया उन्हें, वो आ गए यहाँ पर। अब परिवार वाले आ गए, उनके द्वारा बताया गया कि आपकी टांग क्या करी जाएगी, काटी जाएगी। ऐसा जो बोला, कहा मुझे निकलना है, जाना है यहाँ से, अभी का अभी जाना है। और मालिक ने कह रखा था ये भले कितना भी चिल्लाए पर इसको क्या करना है, ठीक करना है, भले कितना भी खर्चा हो मैं देने को तैयार हूँ। बम्बई से डॉक्टर बुलाए गए, बड़े विद्वान। अब उन्होंने भी यही कहा कि टांग को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। अब इसके मन में भय लग गया, सारी रात इसकी बहुत कठिनता से गुजरने लगी। अब इसे याद आ गया कि मुझे सिखाया गया था माता पिता द्वारा, जब जीवन में कठिनाई आ जाए तो क्या करना, भगवान का आश्रय लेना। अब भगवान का आश्रय लिया, जगन्नाथपुरी में रहते थे और जगन्नाथपुरी के नज़दीक जो भी हैं उड़ीसा वाले किसे मानते हैं, बोले जगन्नाथ भगवान की। अब जगन्नाथ भगवान को पुकार करने लगा, हे बाबा जगन्नाथ दया करो, हे बाबा जगन्नाथ दया करो, हे जगन्नाथ दया करो। कहते हैं कलयुग के साक्षात प्रकट देवता हैं कौन, भगवान श्री जगन्नाथ जी साक्षात प्रकट देवता हैं। और अब इस प्रकार धीरे धीरे बोलने लगा, प्रातःकाल टांग कट जाएगी, मेरी टांग कट जाएगी, जोर जोर से गाने लगा, हे जगन्नाथ प्रभु दया करो, हे जगन्नाथ प्रभु दया करो। अब ऐसे करते करते डॉक्टरों को लगा, आसपास के लोगों को लगा, क्या हो गया है ये, क्या हो गया है, पागल। अब उसे क्या कर दिया, इंजेक्शन दे दिया बेहोशी का, वे चिल्लाएगा तो क्या करेगा, सारी रात परेशान करेगा। पर जब आपके अंतर की अवस्था बहुत तीव्र हो जाती है ना, तो इंजेक्शन भी क्या करते हैं, काम नहीं करते। अब इंजेक्शन दिया, वो बैठा तो रहा पर मुख से क्या बोल रहा था, हे जगन्नाथ भगवान दया करो, दया करो। रात के ढाई बज गए, दो बजे, ढाई बजे चिल्लाता रहा, सारा हॉस्पिटल जागता रहा, बार बार एक ही बात, हे जगन्नाथ दया करो, हे जगन्नाथ बाबा दया करो, दया करो। सब लोग हैरान, कहा क्यों चिल्ला रहे हो, बात का जवाब ही नहीं दे, होश ही नहीं, सिर्फ मुख से एक बात निकले। लोगों ने कहा अजीब हो गई इसकी स्थिति तो। अब रात्रि को 3 बजे इसको नींद आ गई, नींद आ गई पर मुख से क्या निकल रहा था,
हे जगन्नाथ बाबा क्या करो, दवाई ने अपना असर किया और भगवान के नाम ने अपना असर किया। अद्भुत चमत्कार हुआ उस समय रात्रि को 3 बजे। इसको नींद आने लगी, गहराहट आने लगी आंखों के अंदर। क्या देखता है, हॉस्पिटल में शांति है कुछ पता नहीं। अचानक से एक व्यक्ति आया इसके नज़दीक और पूछता है, क्यों चिल्ला रहे हो? कहा, हे जगन्नाथ बाबा दया करो। तो पूछने लगे, कहाँ दर्द है? तो उसने कहा, इस पैर में कल टांग कट जाएगी मेरी, ना उसे होश है ना उसे कुछ सुध है, पर बताता जा रहा है उसे। कहा, मेरी टांग काट दी जाएगी कल, नीला होता जा रहा है पैर, हे जगन्नाथ बाबा दया करो। कहा, दिखाओ मुझे। और चद्दर हटाई, देखा, देखकर हैरान हो गए। कहा, ये तो हकीकत में टांग काट दी जाएगी। तो उसने क्या किया, जो आए थे ना अदृश्य रूप में, सब इसे ही दिखाई दे रहे थे, उन्होंने इसके पैर पर हाथ रखा। जैसे ही हाथ रखा, हाथ रखते ही हड्डियों की आवाज़ें आने लगी, टक 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 करके। अपन ने सोए रहते हैं कभी तो ऐसे करते हैं कई लोग, तो हड्डियों की क्या बजने की क्या होती हैं, आवाज़ें आती हैं ना, कभी हाथ टेढ़ा करो ठका ऐसे निकलता है, कभी ऐसे निकलता है, ऐसी आवाज़ें आने लगी। ऐसी आवाज़ें आई और 2 मिनट तक उसे कोई सुध ही नहीं, बस देख रहा था कि कोई आया है जिसका शरीर बहुत सुकोमल है, वस्त्र अद्भुत पहन रखे हैं, साधारण नहीं है, दिव्य तेज चमक रहा है, फेस दिखाई नहीं दे रहा था। और जैसे ही स्पर्श किया, दर्द क्या हो गया, समाप्त। 2 मिनट बाद इसकी आंख खुली तो इसे लगा कि मैं क्या देख रहा हूँ, सपना देख रहा हूँ। फिर बोला, हे जगन्नाथ बाबा दया करो, हे जगन्नाथ बाबा दया करो। और अपनी टांग की तरफ देखे तो टांग का दर्द क्या हो गया है, समाप्त। कहा, ये क्या, ऐसे नहीं रात को डॉक्टर ने टांग क्या कर दी हो, काट दी हो? कहा, ऐसे नहीं, दर्द नहीं हो रहा है, इधर देखा तो टांग पूरी की पूरी सलामत है। कहा, उतर के देखो नीचे। सुई निकाली अपने हाथ से और जो लगे पड़े थे साधन सब फेंके, एक पैर नीचे किया। कहा, देखूं, ट्राई करूं, कोशिश करूं। जैसे ही दूसरा पैर नीचे किया तो दूसरा पैर भी नीचे उतर गया। यकीन हो गया कि पांव का क्या हो गया है, इलाज हो गया है। नीचे उतरा और अपने आप को देखकर प्रसन्न होने लगा। आप सोचिए उसकी स्थिति क्या रही होगी, कैसी रही होगी। अपने आप को देखकर बहुत विस्मित हो गया और नाचने लगा, हे जगन्नाथ बाबा धन्यवाद, हे जगन्नाथ बाबा धन्यवाद, धन्यवाद, आपने क्या कर दिया, ठीक कर दिया। लोगों ने कहा, ये फिर पागल हो गया है। डॉक्टर आए, अब रात को तो इमरजेंसी में डॉक्टर तो बड़े रहते नहीं हैं, कौन रहता है, कंपाउंडर ही रहते हैं। उन्होंने कहा, ये उतरा कैसे नीचे और नाच कैसे रहा है? कहने लगा, बिल्कुल ठीक हूँ, पैर ठीक है। कहा, दिखाओ। कंपाउंडर ने जैसे ही कपड़ा ऊपर किया तो जो टांग नीली हो गई थी ना, वो कैसे हो गई, बिल्कुल स्वस्थ हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। कहा, ये कैसे हुआ? कहा, मेरे भगवान ने दया की, वो भगवान मेरे समक्ष आए, उनकी कृपा से उनका हाथ लगते ही मैं क्या हो गया हूँ, ठीक हो गया हूँ। कंपाउंडरों कहने लगा, मैं जा रहा हूँ। अरे जाएगा कैसे, उसके हाथ पैर बांध के कहाँ बिठा दिया। अरे कहा, भाई ठीक हो गया हूँ। कहा, नहीं, कल तुम्हारा ऑपरेशन है, ये तुमने कुछ किया है ऐसे तभी ऐसा हुआ है, यहाँ कुछ तुमने दवाई खा ली होगी इसलिए तुम्हें दर्द का एहसास नहीं हो रहा है। अब उसे बांध कर बैठा दिया गया। प्रातःकाल हुआ, ऑपरेशन के लिए तैयारियां होने लगी। मुंबई से डॉक्टर आए थे, उन्होंने कहा एक बार जांच कर ले। वो 8 बजे जैसे ही अंदर आए तो क्या देखते हैं, ये बिल्कुल स्वस्थ आराम से बैठा है। पूछने लगे, क्या हुआ, ठीक कैसे हो गए? कहा, भगवान जगन्नाथ ने मुझ पे क्या कर दी, कृपा कर दी। डॉक्टर ने कहा, ले चलो इसे एक्सरे मशीन के नीचे। एक्सरे मशीन के नीचे लेकर गए तो डॉक्टर हैरान, कल तक जो हड्डी टूटी पड़ी थी, जहाँ हड्डियों के चूरे दिखाई दे रहे थे, आज जब एक्सरे निकल कर आया तो सब कुछ क्या लगा पड़ा था, बिल्कुल सुरक्षित और बिल्कुल ठीक लगा पड़ा था। हैरान देखकर डॉक्टर विस्मित हो गए। कहा, ये कैसे हो सकता है?
कहा हो गया, ये कैसे हुआ, सारी बात बताई। कहा तुमने कहा टांग कटेगी, मैंने तो भगवान का आश्रय ले लिया, प्रभु अब तेरे ही सहारे हैं, घर परिवार चलाने वाले आप ही हो, और अब भगवान आए स्वयं आकर मुझे क्या करके गए, ठीक करके गए। कहा यही मुझे भरोसा है। डॉक्टर तक हैरान हो गए और पुस्तक में इस घटना का विवरण छापा गया श्री गीता प्रेस द्वारा।